नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास सिंह। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल इंदौर में। मेरे पास ओपीडी में ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जिनको प्रोस्टेट के लिए कोई दवा लिखी गई है और वो उस दवा को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि इसे कब तक खाना है, या फिर कुछ मरीज जिनको प्रोस्टेट के लिए सर्जरी बताई गई है या कोई एंडोस्कोपिक प्रोसीजर बताया गया है, तो उसके तरह तरह के प्रकारों को लेकर वो कन्फ्यूज रहते हैं। आइए आज इन सारे ट्रीटमेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारे शरीर में जब किडनी यूरिन बनाती है तो वो यूरिन ऊपर से यूरेटर के थ्रू नीचे आके हमारे ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ब्लैडर से जब ये यूरिन प्रोस्टेट के थ्रू होके निकलता है तो हम नॉर्मल तरीके से वॉइड करते हैं या मैच्योरेशन करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एस्ट्रोस्ट्रॉल हार्मोन के इन्फ्लुएंस में प्रोस्टेट ग्रंथि धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। जब ये ग्रंथि बड़ी होती है तो यूरिन के बहाव को रोकने लगती है, यूरिन का फ्लो धीरे धीरे गिरने लगता है, फ्लो कम हो जाता है। इस कम हुए फ्लो की वजह से यूरिन की कुछ मात्रा पेशाब की थैली के अंदर बचने लगती है, यानी कि पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन रहने लगता है। जब ये यूरिन की बची हुई मात्रा 30-40-50 ml से ज़्यादा होने लगती है तो इंसान को इसके बारे में अनुभव होने लगता है, उसे लगता है कि वो यूरिन ठीक से खाली नहीं कर पाया है। कई बार उन्हें बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है या फिर कई बार उनको बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। ऐसी कंडीशन में वो यूरोलॉजिस्ट के पास में आते हैं और हम जब उनका एग्जामिनेशन करते हैं, उनका PSA टेस्ट करा के, सोनोग्राफी करा के, यूरिन की जाँच करा के एक नतीजे पर पहुँचते हैं कि आपके अंदर प्रोस्टेट बढ़ गया है और यूरिन निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रोस्टेट के बढ़ने के साथ में जब यूरिन रुकने लगता है तो ये बचा हुआ यूरिन ब्लैडर में और किडनी में तरह तरह के नुकसान कराता है। इसमें पथरी बन सकती है, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर कुछ केसेस में किडनीज में भी नुकसान होकर क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स अपने शुरुआती दौर में है और यूरिन की थोड़ी मात्रा ही रुकती है ब्लैडर में, या फिर बार बार यूरिन में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपका काम दवा से चल सकता है। इस दवा की ज़रूरत आपको तब तक पड़ती रहेगी जब तक कि आप उसकी सर्जरी के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर इस दवा को लेना आप बंद करेंगे तो आपको फिर से ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे। इसलिए एक बार जब ये दवा शुरू हो जाए तो इस दवा का सेवन तब तक आप करते रहें जब तक कि आपके यूरोलॉजिस्ट आपको इस दवा को बंद करने के बारे में सलाह ना दें। इस बीच में आपको 3-6 महीने के अंतराल में आके यूरोलॉजिस्ट के पास दिखा के और अपने ब्लैडर और प्रोस्टेट की हेल्थ के बारे में एग्जामिनेशन कराते रहना होगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आपके अंदर यूरिन काफी मात्रा में रुकने लग गया है, जैसे कि 100 ml, 150 ml या 200 ml, तो ऐसी कंडीशन में दवा का असर कई बार नहीं होता है। साथ में अगर प्रोस्टेट के अंदर मीडियन लो बढ़ के आ रहा है तो इन कंडीशन में भी प्रोस्टेट की जो दवा है वो उतना अच्छा असर नहीं करती है। इस कंडीशन में हमें आगे बढ़ के सर्जरी के बारे में सोचना पड़ता है। तो प्रोस्टेट की जो सर्जरी होती है आज के ज़माने में ओपन सर्जरी नहीं की जाती, यानी कि टाँके वाली सर्जरी नहीं की जाती है। लगभग सभी केसेस में ये सर्जरी एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, यानी कि दूरबीन विधि से की जाती है, जिसके अंदर आपके शरीर में कोई टांका या चीरा नहीं लगता है। 2-3 दिन के लिए नली रहती है और फिर नली भी निकल जाती है। इस तरह की सर्जरी को एंडोस्कोपिक TURP सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी को करने के लिए तरह तरह की एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल होता है। कुछ मोनोपोलर सर्जरीज होती हैं, कुछ बाइपोलर सर्जरीज होती हैं, कुछ लेजर सर्जरीज होती हैं। ये एक ही तरह की सर्जरी के डिफरेंट नेम्स हैं, एंड रिजल्ट लगभग सेम होता है। कुछ मरीज जिनके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम है और वो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, यानी कि एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रल नामक दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके अंदर लेज़र सर्जरी के कुछ एडेड एडवांटेजेस होते हैं, जो कि हम केस टू केस बेसिस पे सिलेक्ट करके और अपना उचित ट्रीटमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इन सब तरह की सर्जरीज को हम कॉमन लैंग्वेज में हमारी जनता लेज़र सर्जरीज ही बोलती है। तो आप अगर इसे लेज़र ही मानते हैं तो ये मान के चलें कि इस सर्जरी को कराने से हमारे शरीर में कोई टांका या चीरा नहीं लगना है और ये एक तरह की एंडोस्कोपिक सर्जरी है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रोस्टेट की सर्जरी कराने के बाद हमें परमानेंट नली लग जाएगी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रोस्टेट की सर्जरी करा लेते हैं तो 2-3 दिन के लिए नली का रखना ज़रूरी होता है और 2-3 दिन में जब नली निकल जाती है तो आराम से यूरिन आ जाता है।
प्रोस्टेट की दवा या सर्जरी को लेके और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।